हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। क्लास शुरू करते हैं आज की। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है हमारे पास ऑपरेशंस ऑन प्रोसेस, और इससे आगे जो है वो हम कंटिन्यू करेंगे कि प्रोसेस जो है उस पर हमारे पास कौन कौन से ऑपरेशंस जो है वो परफॉर्म किए जा सकते हैं या कौन कौन से ऑपरेशंस जो है वो परफॉर्म होते हैं, तो इस पर भी हम बात करेंगे। तो हमें पता है कि हमारे पास कोई भी सिस्टम जो है उसमें कंकरेंटली जो है वो बहुत सारे प्रोसेसेस जो है वो एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, ठीक है। और जब ये प्रोसेसेस एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं तो बहुत सारे कोई प्रोसेस जो है वो फर्दर जो है वो क्या करते रहते हैं, मजीद जो है वो प्रोसेसेस को क्रिएट करते रहते हैं, ठीक है। और इसी तरह से प्रोसेसेस जो है वो डिलीट भी होते रहते हैं। तो ये प्रोसेस क्रिएशन और डिलीशन का जो एक अमल है वो हमारे पास चलता रहता है हमारे सिस्टम के अंदर। तो पहले हम यहाँ पे स्टडी करेंगे प्रोसेस क्रिएशन के बारे में, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है कि कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं जो कि नए प्रोसेस क्रिएट करते रहते हैं, ठीक है। और जो प्रोसेस जो है वो नया प्रोसेस क्रिएट करेगा उसे हम बोलेंगे पेरेंट प्रोसेस, और इसी तरह से नया जो क्रिएट होने वाला प्रोसेस है उसे हम बोलेंगे चिल्ड्रन प्रोसेस, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक प्रोसेस जो है वो आगे अपना चाइल्ड क्रिएट कर सकता है, ठीक है। जैसे ये हमारे पास पेरेंट है तो इसने क्या किया, अपना आगे तीन चाइल्ड जो है वो क्रिएट कर दिए, और फिर इसी तरह से ये वाला प्रोसेस जो है इसने फर्दर जो है वो अपने मजीद चाइल्ड जो है वो क्रिएट कर लिए। इस तरह से हमारे पास जो है वो चिल्ड्रन की आगे से आगे जो है वो क्या बनती जाती है, एक ट्री बनती जाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक उन्होंने ट्री दिखाई हुई है, जो हमारे पास प्रोसेस ट्री है इन यूनिक्स लिनक्स जो हमारे पास सिस्टम है उसमें इस तरह से हमारे पास प्रोसेस की ट्री बनती जाती है। और इसी तरह से ये आपको डायग्राम नजर आ रही है कि हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसमें हमारे पास तीन जो है वो नए प्रोसेस क्रिएट हुए, एमएस ऑफिस है, कोई म्यूजिक प्लेयर और इसी तरह से कोई और एप्लीकेशन है। तो एमएस ऑफिस में आप देख सकते हैं कि मजीद हमारे पास डॉक, एक्सेल और पावर पॉइंट और इसी तरह से कुछ और प्रोसेसेस जो है वो क्रिएट हो जाते हैं। फिर अगर हम यहाँ पे डॉक या वर्ड की बात करें तो उसमें मजीद हमारे पास जो है वर्ड के अंदर मजीद प्रोसेस जो वो क्रिएट होते रहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से प्रोसेस क्रिएशन का अमल जो है वो हमारे पास चलता रहता है। अब जब हमारे पास कोई प्रोसेस जो है वो क्रिएट होता है तो जारी बात है उसे कुछ रिसोर्सेज की जरूरत होती है। अब ये रिसोर्सेज जो रिक्वायर्ड हैं वो कौन से हो सकते हैं, ठीक है। जो चाइल्ड जो क्रिएट होगा उसे कौन से रिसोर्सेज की जरूरत पड़ सकती है, जैसे सीपीयू टाइम है, मेमोरी फाइल्स है या आईओ वगैरह की उसे जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। तो जब एक प्रोसेस जो है वो क्रिएट होता है तो उसका जो सब प्रोसेस है, मतलब जो एक नया प्रोसेस क्रिएट हुआ है, तो वो क्या करेगा, जो रिसोर्सेज हैं वो अपने पेरेंट से भी ले सकता है, ठीक है। और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसको अलहदा से भी जो मुख्तलिफ रिसोर्सेज है वो अलॉट कर सकता है। तो ये बात जो है आपने याद रखनी है, जो एक नया प्रोसेस क्रिएट हुआ है उसको रिसोर्सेज मिल सकते हैं अपने पेरेंट से भी, या दूसरा तरीका कार ये है कि उसको अलहदा से ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो क्या करेगा, रिसोर्सेज जो है वो अलाट कर देगा, ठीक है। तो इसमें हमारे पास यहाँ पे देखें कि जब हमारे पास एक नया प्रोसेस क्रिएट होता है तो यहाँ पे हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है। तो पहला ये है कि हमारे पास के द पेरेंट कंटिन्यू टू एग्जीक्यूट कंकरेंटली विद इट्स चिल्ड्रन। तो हमारे पास पहला तरीकाकार ये हो सकता है कि हमारे पास एक पेरेंट और उसका जो चाइल्ड है अब वो कंकरेंटली जो है वो क्या होते रहेंगे, एग्जीक्यूट होते रहेंगे। और दूसरा हमारे पास यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी हो सकती है वो यहाँ पे हमारे पास है कि हमारा पेरेंट जो है वो जब उसके चिल्ड्रन क्रिएट हो जाते हैं तो पेरेंट जो है वो वेट करेगा और यहाँ तक कि उसके जो चिल्ड्रन है वो क्या हो जाए, टर्मिनेट हो जाए। तो जब वो टर्मिनेट हो जाएंगे तो फिर से पेरेंट जो है वो अपनी एग्जीक्यूशन जो है वो स्टार्ट कर देगा। तो हमारे पास यही दो जो है वो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि या तो वो कंकरेंटली एग्जीक्यूट होते रहे या पेरेंट जो है वो अपने चिल्ड्रन जो है उनको एग्जीक्यूट होने का, उनके टर्मिनेट होने का वेट करता रहेगा और खुद को वो क्या करेगा, ब्लॉक रखेगा, ठीक है। और इसी तरह से हमारे पास एड्रेस स्पेस जो है उसके वाले से भी दो पॉसिबिलिटीज है हमारे पास। पहली ये है कि हमारा जो चाइल्ड प्रोसेस है उसको जो है वो एड्रेस स्पेस बिल्कुल उसी तरह की एड्रेस स्पेस मिल जाएगी जिस तरह की उसके पेरेंट की है, मतलब कि जो पेरेंट का एड्रेस स्पेस है उसकी एक कॉपी या बिल्कुल उसी तरह का जो है एक एड्रेस स्पेस जो है वो जनरेट करके दे दिया जाएगा चाइल्ड प्रोसेस को, ठीक है। तो दूसरा तरीका हमारे पास ये हो सकता है कि चाइल्ड प्रोसेस जो एक नया प्रोसेस क्रिएट हुआ है उसके अंदर बजाते खुद एक नया प्रोग्राम है। तो जब एक नया प्रोग्राम होगा तो जारी बात है उसके लिए एक नई हमें एड्रेस स्पेस की जरूरत पड़ेगी और उस वो एड्रेस स्पेस जो है बिल्कुल मुख्तलिफ होगी हमारा जो पेरेंट प्रोसेस है उससे, ठीक है।
तो यहाँ पे दोबारा से ये चीज मैं रिवाइज कर दूं कि हमारे पास जब एक चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट होता है तो उसको अपना जो पेरेंट प्रोसेस है उसका एड्रेस स्पेस जो है उसकी कॉपी या हूबहू उसी तरह की एड्रेस स्पेस मिल सकती है। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि हमारे पास जो चाइल्ड प्रोसेस होता है उसके अंदर हो सकता है कि एक बिल्कुल नया एक प्रोग्राम उसमें लोड हो, तो उस सूरत में क्या होगा कि जो चाइल्ड प्रोसेस है उसके लिए एक बिल्कुल नई जो है वो एड्रेस स्पेस जो है वो अलॉट की जाएगी। ठीक है, और मुख्तलिफ जो हमारे पास प्रोसेसेस जो है वो हमारे पास। जी सर इरफान साहब, सर, ये जो आपने बताया ना कि पहला पॉइंट द चाइल्ड प्रोसेस इज डुप्लीकेट ऑफ द पेरेंट प्रोसेस, उसका जी जी डुप्लीकेट मिलेगा। हाँ ये जी ऐसे भी तो हो सकता है ना, फर्ज करें एक एक पेरेंट के मल्टीपल चाइल्ड हो सकते हैं, वो एक से ज्यादा चाइल्ड हो सकते हैं, तो जी अब हर एक को डुप्लीकेट भी तो नहीं दी जा सकती। ये ऐसे हो सकता है कि उसकी एड्रेस स्पेस शेयर कर दी जाए उन चाइल्ड प्रोसेस में, ऐसा हो पॉसिबिलिटी है ऐसी? एक्चुअली इस बात का मतलब यही है, ये जो बात आप कर रहे हैं कि उनमें क्या हो जाएगी, शेयरिंग हो ठीक जाएगी, हो गया, मतलब उसके अंदर ओके जो है उसी तरह की एड्रेस स्पेसेस जो है उनको बना के दे दी जाएंगी। ठीक हो गया जी, ओके हो गया सर, ठीक है, हाँ थैंक यू। जी। तो नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ जो हमारे पास प्रोसेसेस हैं उनको किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाएगा, तो उसके लिए हमारे पास प्रोसेस आइडेंटिफायर इसमें इस्तेमाल होता है जिसे हम पीआईडी भी बोल देते हैं। ठीक है, और हर प्रोसेस जो है उसकी पीआईडी जो है हमारे पास मुख्तलिफ होगी, और ये हमारे पास क्या होता है, एक यूनिक जो है वो हमारे पास इंटीजर होता है। अब अगर हम यूनिक्स लिनक्स की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास जो प्रोसेस क्रिएट होते हैं उनके लिए हमारे पास एक सिस्टम कॉल इस्तेमाल होते हैं जिसे बोला जाता है फोर्क सिस्टम कॉल। ठीक है, तो इसी के बारे में हम थोड़ा सा मजीद जो है वो देखेंगे फोर्क सिस्टम कॉल के बारे में। तो फोर्क सिस्टम कॉल जो है ये क्या करती है, यूनिक्स या लिनक्स का जो हमारे पास सिस्टम है उनमें एक नया प्रोसेस जो है उसको क्रिएट कर देते हैं। तो जो हमारे पास द ओरिजिनल प्रोसेस इज कॉल्ड द पेरेंट प्रोसेस, और इसी तरह से जो नया प्रोसेस क्रिएट होगा उसे क्या बोला जाएगा, चाइल्ड प्रोसेस जो है वो बोला जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास फोर्क सिस्टम कॉल जो है हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे पास चाइल्ड प्रोसेस जो है वो क्रिएट हो गया है या नहीं, तो उसमें ये जो है कि हमारा पास जब फोर्क जो हमारे पास एक सिस्टम कॉल है जब ये रन होगी तो ये हमें कोई ना कोई इंटीजर रिटर्न करेगी। अगर फोर्क सिस्टम कॉल जो है वो नेगेटिव कोई नंबर रिटर्न करती है तो इसका मतलब है कि चाइल्ड जो है वो क्रिएट नहीं हुआ, मतलब चाइल्ड क्रिएशन जो है हमारे पास फेल हो गई है। और अगर हमारे पास फोर्क जो सिस्टम कॉल है वो जीरो रिटर्न करे तो इसका मतलब है कि एक नया चाइल्ड जो है वो क्रिएट हो गया है। और इसके अलावा अगर कोई पॉजिटिव नंबर जो है वो रिटर्न किया जाए तो ये वही नंबर होगा जो उसके पेरेंट का है। ठीक है, तो ये हमारे पास तीन पॉसिबिलिटीज हैं। पहली ये है कि अगर नेगेटिव नंबर जो है वो हमारा फोर्क वाली जो सिस्टम कॉल है वो रिटर्न करे तो इसका मतलब है कि चाइल्ड क्रिएट नहीं हुआ। जीरो अगर करेगी तो इसका मतलब है कि हमारा जो चाइल्ड है वो क्रिएट हो गया है। और अगर कोई पॉजिटिव नंबर जो है वो क्रिएट किया जाता है तो इसका वो पॉजिटिव नंबर जो है वो हमारा जो पेरेंट प्रोसेस है उसकी आईडी ही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक समझने के लिए हमारे पास यहाँ पे एक सी का छोटा सा प्रोग्राम भी दिया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास हमने इंटीजर टाइप का एक यहाँ पे वेरिएबल बनाया है पीआईडी के नाम से। ठीक है, और फिर हमने ये फोर्क वाली जो सिस्टम कॉल है उसको कॉल किया। ठीक है, और ये हमें क्या करेगा, कोई ना कोई इंटीजर नंबर जो है रिटर्न करेगा। अगर अब इंटीजर नंबर जो है वो लेस देन जीरो है तो इसका मतलब ये है कि ये कोई नेगेटिव नंबर हमारे पास आया है। ठीक है, तो इसका साफ मतलब ये होगा कि हमारे पास चाइल्ड प्रोसेस क्रिएशन जो है वो फेल हो चुकी है। और अगर हमारे पास पीआईडी जो है उसमें जीरो आ जाता है तो इसका मतलब है कि चाइल्ड प्रोसेस जो है वो क्रिएट हो चुका है। और एल्स अगर हमारे पास कोई पॉजिटिव नंबर होगा तो ये हमारे पास पेरेंट प्रोसेस जो है उसी की आईडी जो है वो रिटर्न की जाएगी। और यहाँ पे हमारे पास जो सिस्टम यहाँ पे हेडर फाइल इस्तेमाल होती है वो है हमारे पास unistd.h जो है वो हमारे पास हेडर फाइल इस्तेमाल होती है अगर आप फोर को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। ठीक है जी, और यहाँ पे ये वाली जो आपको एक इमेज नजर आ रही है इसमें आप देखेंगे ये आपका प्रोसेस पेरेंट प्रोसेस था। ठीक है, तो पेरेंट प्रोसेस जो है उसने एक चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट किया है। ठीक है, तो ये जो चाइल्ड प्रोसेस जो क्रिएट हुआ है तो इसमें आप देख सकते हैं कि उसने बिल्कुल उसी तरह की जो है वो एक एड्रेस स्पेस जो है अपने चाइल्ड प्रोसेस के लिए जो है वो यहाँ पे क्रिएट की है। ठीक है, और यहाँ पे जो चाइल्ड प्रोसेस है उसकी जो पीआईडी है वो क्या रखी जाएगी, वो जीरो रख दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बताने का मतलब था कि हमारे पास जो है पेरेंट प्रोसेस जो है वो जब अपना चाइल्ड क्रिएट करेगा तो उसके लिए वो क्या करेगा, आइडेंटिकल जो है वो एड्रेस स्पेस जो वो जनरेट कर दी जाएगी। ठीक है, तो
तो यहाँ पे ये इमेज जो है हमें यही चीज जो है वो बता रही है। अब जब एक फोक सिस्टम काल की मदद से आप एक चाइल्ड को क्रिएट करते हैं, तो पेरेंट और चाइल्ड जो है वो कुछ चीजें जो है आपस में शेयर करते हैं, ठीक है। वो क्या है, वो इस वक्त हमारे पास इन्वायरमेंट जो है सिस्टम का वो शेयर करते हैं। इसके अलावा अगर हमारे पास कोई फाइल ओपन है तो उसको भी जो है वो शेयर किया जाता है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमें नजर आ रहा है, मैं इसे क्लोज कर लूँ, तो यहाँ पे हमारे पास है कि ओपन फाइल डिस्क्रिप्टर टेबल, ठीक है। तो ये चाइल्ड और पेरेंट जो है वो ओपन फाइल्स, जितनी भी हमारे पास फाइल्स ओपन होती हैं तो उनका एक हमारे पास टेबल बनता है जिसे बोला जाता है ओपन फाइल डिस्क्रिप्टर टेबल, तो वो भी आपस में शेयर किया जाता है। इसी तरह से हमारे पास सिग्नल के बारे में हमने बात की थी, तो उसकी जो हैंडलिंग के हवाले से जो सेटिंग होती है वो भी पेरेंट और चाइल्ड जो आपस में शेयर करते हैं। इसी तरह से करंट वर्किंग डायरेक्टरी, दोनों इस वक्त कौन सी डायरेक्टरी में मौजूद हैं वो चीज भी आपस में शेयर की जाती है, और रूट डायरेक्टरी दोनों की जो होती है वो भी आपस में शेयर की जाती है। तो ये चंद एक चीजें हैं जो चाइल्ड और जो पेरेंट प्रोसेस है वो आपस में शेयर कर लेते हैं, ठीक है। और इसी तरह से हमारे पास कुछ ऐसी चीजें हैं जो बिल्कुल मुख्तलिफ होती हैं पेरेंट और चाइल्ड में। उसमें हमारे पास ये है कि डिफरेंट प्रोसेस आईडी, हर जो प्रोसेस है उसकी जो आईडी है वो हमारे पास क्या होगी, डिफरेंट है। इसी तरह से उनके जो पेरेंट प्रोसेस होते हैं उनकी आईडी, जिसे हम पीपीआईडी बोलते हैं, वो भी हमारे पास क्या हो सकती है, मुख्तलिफ हो सकती है, ठीक है। और चाइल्ड हैज इट्स ओन कॉपी ऑफ पेरेंट्स फाइल डिस्क्रिप्टर, और हर चाइल्ड के पास क्या होगा, अपना जो पेरेंट है उसके फाइल डिस्क्रिप्टर जो है वो अपने पास होगा, क्योंकि हमारे पास एक ट्री बन जाती है। तो अब इसमें हमारे पास क्या हो सकते हैं कि मुख्तलिफ चाइल्ड हो सकते हैं, उनके मुख्तलिफ पेरेंट्स हो सकते हैं। तो इस तरह से ये तीनों चीजें जो है हमारे पास क्या हो जाएंगी, मुख्तलिफ हो जाएंगी, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे पास ये है कि फोर्क सिस्टम कॉल जो है वो फेल कब कब हो सकती है। तो हमारे पास दो तीन वजह है कि हमारे पास नया चाइल्ड जो है क्रिएट ना हो। पहली वजह तो ये है कि हमारे पास जो मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोसेसेस अलाउ थे वो हमारे पास क्या हो चुके हैं, वो नंबर हमारे पास पूरा हो चुका है एक। और दूसरी वजह जो है हमारे पास हो सकती है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोसेसेस अलाउड एंड ऑन द सिस्टम हैज एक्सीडेड। तो ये एक मुझे पहली रीजन देखें, वन रीजन मे बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोसेसेस अलाउड टू एग्जीक्यूट अंडर वन यूजर हैज एक्सीडेड, ठीक है। तो कोई एक यूजर जो है, अगर हम मल्टी यूजर सिस्टम की बात करें तो उसमें एक यूजर कितने मजीद प्रोसेसेस जो है वो क्रिएट कर सकता था, वो तादाद हमारे पास पूरी हो चुकी है। या दूसरा केस हमारे पास हो सकता है कि हमारे पास जितने प्रोसेस जो है वो क्रिएट होने थे वो हमारे सिस्टम में क्रिएट हो चुके हैं, अगर मल्टी यूजर ना हो, सिंगल यूजर बिलफर्ज हमारे पास हो, ठीक है। और एक और वजह हमारे पास हो सकती है कि जो हमारे पास स्वैप स्पेस है, जो हमने कहा था कि रनिंग स्टेट से हमारे पास जो है प्रोसेस जो है उसको भेज दिया जाता है हार्ड डिस्क की तरफ स्वैप स्पेस में, तो हो सकता है कि हमारे पास जो स्वैप स्पेस है उसमें कोई खाली जगह मौजूद नहीं है। तो इस सूरत में भी हमारे पास क्या हो सकता है, फोर्क सिस्टम कॉल जो है वो फेल हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है एक खासा अहम टॉपिक है, ये नेक्स्ट जो है वो हमने देखना है। एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि फोर्क जो है उसके फौरन बाद जो हमारे पास कोई स्टेटमेंट वगैरह होगी तो उसे आपने क्या कंसीडर करना है, चाइल्ड आपने उसको कंसीडर करना है कि हमारे पास चाइल्ड प्रोसेस जो है वो क्रिएट हो चुका है, ठीक है। तो अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि हमारे पास कितने प्रोसेस जो है वो क्रिएट हुए हैं। तो इस चीज को समझने के लिए ये मैंने एक यहाँ पे इमेज जो है वो डाली हुई है, इसको समझते हैं। बिल्कुल, ये हमारे पास मेन फंक्शन है, इसके अंदर आपने क्या लिखा, फोर्क, ठीक है। यहाँ पे मतलब हम क्या कर रहे हैं, एक चाइल्ड क्रिएट कर रहे हैं, और फिर हम प्रिंट क्या करवा रहे हैं, हाई जो है वो हम प्रिंट करवा रहे हैं। अब यहाँ पे देखें कि जैसे ही फोक जो है वो हमारे पास कॉल होता है तो इसके बाद वाली जो स्टेटमेंट है वो हमारे पास क्या बन जाएगी, एक चाइल्ड प्रोसेस जो है वो हमारे पास बन जाएगी। तो अब हमारे पास जो है ये प्रिंट जो हम करवा रहे हैं हाई, ये दो बार हमारे पास जो है प्रिंट होके आएगा। क्यों, एक तो जो है वो हमारे पास मेन फंक्शन जो है जो कि हमारा पेरेंट भी है, एक ये हाई को क्रिएट करेगा, और दूसरा हाई जो है जो हमारे पास एक फोर्क वाली जो हमने यहाँ पे सिस्टम कॉल की है उस वजह से जो हमारी ये स्टेटमेंट है ये क्या बन जाएगी, चाइल्ड प्रोसेस बन जाएगी। और ये हमारे पास जो है इसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, दूसरी बार जो है वो हाई हमारे पास कॉल होगा। तो आपने बात याद रखनी है कि हमारे पास जब भी फोर्क सिस्टम कॉल जो है उसको कॉल किया जाएगा तो पेरेंट के लिए हमारे पास क्या होगा, हमेशा एक चाइल्ड जो है वो क्रिएट हो जाएगा। ये बात मैं दोबारा से रिवाइज कर दूं, वैसे ये चीजें समझनी काफी कॉम्प्लेक्स है लेकिन ये चीज छोटी सी वो आपने माइंड में रख लेनी है।
कि जब भी फोर्क सिस्टम कॉल हमारे पास कॉल होगी तो तब हमारे पास क्या होगा, तब हमारे पास एक चाइल्ड जो है वो उस पेरेंट का क्रिएट हो जाएगा और खुद पेरेंट जो है वो भी मौजूद रहेगा। जैसा कि इस केस में अगर आप देखें तो हमारे पास पेरेंट था हमारा मेन फंक्शन, ठीक है, फिर ये वाली फोर्क जो है ये सिस्टम कॉल हमारे पास हुई तो इसके लिए क्या हुआ, हमारे पास एक चाइल्ड प्रोसेस जो है वो क्रिएट हो गया और खुद पेरेंट जो है वो भी हमारे पास मौजूद रहा है। तो ये जो हमारे पास चाइल्ड प्रोसेस हुआ क्रिएट, इसके लिए यहाँ पे एक बार हाई जो है वो प्रिंट होगा और दूसरा जो है हमारा जो मेन फंक्शन था या हमारा पेरेंट है उसके लिए भी हमारे पास एक बार हाई जो है वो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। अब यही चीज जो हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास देखेंगे ये जी हमारे पास मेन फंक्शन है जो कि हमारा पेरेंट प्रोसेस है। अब इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, फोर्क सिस्टम का जो है उसको हमने दो बार यहाँ पे क्या किया है, यूज किया है, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पे देखें कि ये आपके पास पेरेंट प्रोसेस था तो ये पहली बार जो है फोर्क जो है उसने उसको कॉल किया गया, ठीक है। तो ये एक बात मैं आपको पहले बता के आया हूँ कि जब भी फोर्क सिस्टम कॉल हमारे पास होगी तो तब हमारे पास उस पेरेंट के लिए एक चाइल्ड क्रिएट कर दिया जाएगा और वो पेरेंट खुद भी मौजूद रहेगा। तो ये वाली जो आपके पास फोर्क सिस्टम कॉल है इसने क्या किया, यहाँ पे एक चाइल्ड जो है वो क्रिएट कर दिया जिसको मैंने नाम दे दिया है समझने के लिए C1, और खुद ये वाला पी या हमारा जो पेरेंट है वो भी यहाँ पे मौजूद रहा है, ठीक है। उसके बाद ये दूसरी फोर्क सिस्टम कॉल जो है वो हमारे पास कॉल हो जाती है, ठीक है। तो अब ये क्या करेगी, अब ये जो हमारे पास C1 है जो कि चाइल्ड था लेकिन अब ये क्या बन जाएगा, एक पेरेंट बन जाएगा और इसके लिए क्या होगा, मजीद एक चाइल्ड जो है वो हमारे पास यहाँ पे कॉल हो जाएगा, ठीक है, और ये पेरेंट जो है वो खुद यहाँ पे मौजूद रहेगा ही। और इसी तरह से हमारे पास एक यहाँ पे जो है वो प्रोसेस मौजूद था तो इसकी वजह से मजीद हमारे पास क्या हुआ, एक चाइल्ड प्रोसेस यहाँ पे क्रिएट हुआ। याद करें मैंने कहा था कि हमारे पास जितने भी प्रोसेस इस वक्त होंगे उनके लिए हमारे पास एक चाइल्ड जो है वो लाजमी क्रिएट हो जाएगा। तो C1 ने C2 को जनरेट किया और खुद ये मौजूद रहा। इसी तरह से ये पी जो है जो कि हमारा मेन था उसने यहाँ पे एक नया प्रोसेस C3 जो है इसकी वजह से यहाँ पे जनरेट किया और खुद पी जो है वो यहाँ पे मौजूद रहा। तो अब हमारे पास क्या हुआ, नंबर ऑफ जो हाई जो है वो कितनी बार हमारे पास यहाँ पे प्रिंट होके आएगा, हमारे पास 4 बार प्रिंट होके आएगा। 4 बार किस तरह से प्रिंट होके आएगा, 3 बार हमारे ये चाइल्ड प्रोसेस इसको प्रिंट करेंगे और 4थी बार जो है हमारा पेरेंट जो है वो उसको यहाँ पे हाई को प्रिंट करेगा। इसी तरह से अब इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है, ठीक है, और वो फार्मूला है हमारे पास 2n-1+1, ठीक है। तो यहाँ पे देखें कि अगर आपके पास यहाँ पे देखें फोर्क सिस्टम कॉल अगर इसमें देखें हमारे पास कितनी थी, इसमें हमारे पास 2 थी तो 2 × 2 हमारे पास हो गया 4, 4 - 1 आपके पास क्या हो गया 3, ठीक है। तो 3 जो है वो यहाँ पे हमारे पास चाइल्ड क्रिएट हुए प्लस 1 जो है वो हमारे पास क्या हो गया 1, हमारे पास ये हमारा पेरेंट था। तो इस तरह से इस फार्मूला की मदद से अगर हमारे पास कुछ इस तरह की कोई स्टेटमेंट वगैरह बना के दे देता है पेपर के अंदर तो ये वाला फार्मूला जो है वो हमने माइंड में रखना है कि अगर हमने जानना हो कि नंबर ऑफ प्रोसेसेस जो है वो कितने क्रिएट हुए तो वो हमारे पास क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोसेसेस जो है वो हमारे पास क्रिएट होंगे 2n-1, ठीक है, और ये 1 जो है ये हमारे पास क्या होगा, हमारा पेरेंट होगा। इसी तरह से ये मिसाल में भी आप समझ सकते हैं, अब हमारे पास क्या है, फोर्क सिस्टम कॉल को 3 बार जो है वो कॉल किया जा रहा है, ठीक है। तो ये पहला पेरेंट जो है उसके लिए यहाँ पे ये C1 जो है वो क्रिएट हुआ चाइल्ड, मैंने बार बार ये बात को रिवाइज कर रहा हूँ कि हर पेरेंट के लिए हमारे पास क्या होगा, चाइल्ड क्रिएट हुआ और ये हमारा पी या जो हमारा पेरेंट है वो मौजूद रहा। फिर उसके बाद हमारे पास क्या हुआ, ये वाली फोर्क कॉल जो है वो आ गई हमारे पास, ठीक है, जो कि हमारे पास यहाँ पे जाके जो है वो एग्जीक्यूट हुई। तो इसके लिए हमारे पास क्या हुआ, इसके लिए हमारे पास C1 जो कि चाइल्ड था पेरेंट बन गया, इसके लिए हमारे पास यहाँ पे C2 को जनरेट हुआ, C1 जो है वो खुद से मौजूद रहा। इसी तरह से हमारे पास P था तो P के लिए हमारे पास एक नया प्रोसेस जो है वो यहाँ पे क्रिएट हुआ और ये P खुद से मौजूद रहा। अब इसी तरह से आखिरी बार ये वाली फोर्क कॉल जो है वो जब हमारे पास कॉल की जाएगी तो यहाँ पे जितने भी हमारे पास यहाँ पे प्रोसेसेस मौजूद हैं तो हर एक के लिए हमारे पास क्या होगा, एक नया जो है वो यहाँ पे प्रोसेस जो है वो क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो 4 प्रोसेस जो है वो हमारे पास क्रिएट हो जाएंगे और 4 ये पेरेंट जो है हमारे पास मौजूद रहेंगे। तो ये टोटल मिला के हमारे पास क्या हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। इसका मतलब है कि अब की बार जो है वो हमारे पास 8 बार जो है वो हमारे पास प्रिंट होगा, ठीक है। तो अगर ये पूछा जाए कि चाइल्ड प्रोसेस कितनी क्रिएट हुए तो आपने कहना है 7, ठीक है, तो यहाँ पे ये 7 हमारे पास बनते हैं, ठीक है। और अगर ये पूछा जाए कि
कि हमारे पास ये इस तरह से कोई स्टेटमेंट जो है वो कितनी बार प्रिंट हुई, तो वो हमने कहना कि 8 बार जो हमारे पास प्रिंट हुई, और ये वाला फार्मूला जो है आपने माइंड में रखना है। ये चीज समझ में आ गई है जी? ये बात समझ में आई आप लोगों को? जी सर, समझ आ रही है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास प्रोसेस टर्मिनेशन, ठीक है। तो जब एक प्रोसेस जो है वो अपना काम मुकम्मल कर चुका होता है तो वो क्या कर जाता है, टर्मिनेट कर जाता है, ठीक है। लेकिन लाजमी नहीं है कि कोई प्रोसेस जो है वो तब ही टर्मिनेट करेगा जब वो अपना जो है वो काम मुकम्मल कर चुका है, बल्कि हमारे पास कुछ और भी रीजन हो सकती है जिनकी वजह से हमारा प्रोसेस जो है वो टर्मिनेट कर सकता है, ठीक है। तो इसमें एक जो अहम वजह है वो है हमारे पास अवार्ड की सिस्टम कॉल, ठीक है। अवार्ड सिस्टम कॉल क्या है कि हमारा पेरेंट जो है वो इस वक्त क्या कर रहा है, वो शट डाउन कर रहा है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, अपने जितने भी चाइल्ड प्रोसेस हैं उनको टर्मिनेट करने के लिए वो क्या करेगा, अवार्ड सिस्टम कॉल जो है उसको कॉल करेगा, और इस वजह से हमारे पास जो है वो उसके जो चाइल्ड प्रोसेस हैं वो क्या हो जाएंगे, हमारे पास अबॉर्ट हो जाएंगे, या वो भी खुद को टर्मिनेट कर लेंगे। अच्छा, कुछ हमारे पास सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि जिसमें हमारे पास जो है वो पेरेंट जो है वो हमारे पास एंड हो जाएगा जबकि हमारा जो चाइल्ड है वो चलता रहेगा। मिसाल के तौर पर हमारे पास वेब ब्राउजर है, तो उसमें आप क्या कर रहे हो, कुछ डाउनलोडिंग पे लगाया हुआ है आपने, ठीक है। तो आपने क्या किया, अपना असल ब्राउजर जो है वो बंद कर दिया, लेकिन जो आपके पास इस वक्त डाउनलोडिंग चल रही थी, हम फर्ज कर लेते हैं कि वो अभी भी हमारे पास चीज जो है वो अभी डाउनलोडिंग में लगी हुई है, तो एक तरह से आप समझ सकते हैं कि तब हमारे पास जो चाइल्ड प्रोसेस है वो यहाँ पे अबॉर्ट उसने नहीं किया या उसने खुद को टर्मिनेट नहीं किया। तो ये चीज जो है वो हमारे पास यहाँ पे आपने माइंड में रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे है कि आप पेरेंट मे टर्मिनेट द एग्जीक्यूशन ऑफ इट्स चाइल्ड फॉर अ वराइटी ऑफ रीजन। तो अब हमारा पेरेंट जो है वो किन किन वजूहात की वजह से अपने चाइल्ड जो है उसको टर्मिनेट कर सकता है। सबसे पहली और बड़ी वजह जो है वो हमारे पास ये है कि हमारा चाइल्ड जो है वो पेरेंट से ज्यादा रिसोर्सेज जो है उनका इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है। द चाइल्ड हैज एक्सीडेड इट्स यूजेज ऑफ सम ऑफ द रिसोर्सेज दैट इट हैज बीन अलॉटेड। तो इस सूरत में पेरेंट जो है वो क्या करेगा, जो चाइल्ड है उसको टर्मिनेट कर देगा अगर वो ज्यादा रिसोर्सेज खाने शुरू हो जाएगा तो। दूसरा ये है कि जो उसको टास्क असाइन किया गया था वो मुकम्मल हो चुका है, ठीक है। तो इस वजह से चाइल्ड जो है वो खुद को, या वो टास्क ही बाकी नहीं रहा, किसी वजह से एंड हो गया है, तो तब भी चाइल्ड जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। तीसरा जो है, जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं, द पेरेंट इज एग्जिटिंग एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट अलाउ द चाइल्ड टू कंटिन्यू इफ द पेरेंट इफ इट्स पेरेंट्स टर्मिनेट्स। तो कुछ हमारे पास ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स की हैं जिनमें हमारे पास क्या है कि अगर पेरेंट जो है वो प्रोसेस खुद को खत्म करता है तो उसके जो चाइल्ड है उनको भी खत्म होना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास अब क्या हो सकता है कि ये नॉर्मल भी हो सकता है और एबनॉर्मल भी हमारे पास हो सकता है कि जैसे ही हमारे पास पेरेंट खत्म होगा तो चाइल्ड जो है उसको भी खत्म होना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कहता है दिस फिनोमेनन रेफर टू एज कैस्केडिंग टर्मिनेशन। तो कैस्केडिंग टर्मिनेशन आपके पास क्या है कि जब आपका पेरेंट जो है वो टर्मिनेट हो तो उसका चाइल्ड जो है वो भी साथ में टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास था प्रोसेस टर्मिनेशन, के हमारा प्रोसेस जो है वो किस तरह से हमारे यहाँ पे खत्म होता है। तो यहाँ पे देख लें कि यूनिक्स की अगर हम बात करें तो यूनिक्स के अंदर हमारे पास जो पेरेंट प्रोसेस है उसके बाद अपना जो चाइल्ड प्रोसेस है उसका पीआईडी जो है मौजूद होगा, जिसकी मदद से वो क्या करेगा, अपना चाइल्ड जो है उसको टर्मिनेट करवा देगा। और यहाँ पे हमारे पास जो है जब तक उसका चाइल्ड जो खत्म नहीं होता तो वो क्या करेगा, वेट सिस्टम कॉल के थ्रू जो है उसका वेट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम पढ़ें तो कहता है कि कंसीडरिंग एन एग्जांपल फ्रॉम यूनिक्स वी कैन टर्मिनेट अ प्रोसेस बाय यूजिंग द एग्जिट सिस्टम कॉल। इट्स पेरेंट्स प्रोसेस मे वेट फॉर द टर्मिनेशन ऑफ अ चाइल्ड प्रोसेस बाय यूजिंग द वेट सिस्टम कॉल। तो वो पेरेंट जो है वो क्या करेगा, वेट सिस्टम कॉल की मदद से वेट करेगा यहाँ तक कि उसका चाइल्ड जो है वो टर्मिनेट हो जाए। द वे सिस्टम कॉल रिटर्न्स द प्रोसेस आइडेंटिफायर ऑफ अ टर्मिनेटेड चाइल्ड। तो जो हमारे पास वेट सिस्टम कॉल है वो उस प्रोसेस का जो है वो पीआईडी रिटर्न करता है जो अभी अभी हमारे पास टर्मिनेट हुआ है, ठीक है जी। तो ये था हमारे पास प्रोसेस टर्मिनेशन, ठीक है। तो यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पुट करें यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन ये है हमारे पास कि हमारे पास मुख्तलिफ प्रोसेसेस जो है
जो कि इस वक्त हमारे पास कंकरेंटली जो है वो हमारे सिस्टम के अंदर चल रहे हैं, वो आपस में क्या करेंगे, कम्युनिकेशन करने की उन्हें जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। तो इसमें वो क्या करेंगे, एड्रेस स्पेस उनकी मुख्तलिफ होगी, ठीक है। तो कोई दो प्रोसेस हैं P1 और P2, वो मुख्तलिफ जगहों पर मौजूद हैं, उनके एड्रेस स्पेस मुख्तलिफ है, इसके बावजूद वो आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कम्युनिकेशन जो है वो मेजरली होती है मैसेज पासिंग सिस्टम के थ्रू। तो मैसेज पासिंग सिस्टम जो है उसके थ्रू जो है वो हमारे पास किस तरह से होती है जरा देखते हैं। इसके हमारे पास कुछ 4-5 वेज जो है वो यहाँ पे हमारे पास मौजूद हैं कि किस तरह से एक प्रोसेस जो है वो दूसरा प्रोसेस को अपने मैसेज जो है वो पास करेगा। तो इसमें सबसे पहला जो है वो है हमारे पास डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन, ठीक है। तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन की हम बात करते हैं। डायरेक्ट कम्युनिकेशन में क्या है कि हमारे पास जो है अगर सेंड और रिसीव में जिसने सेंड करना है उसके पास रिसीवर का पहले वो नेम देगा और फिर अपना मैसेज लिखेगा, और इसी तरह से रिसीवर जो है वो क्या करेगा, जिस प्रोसेस से उसने रिसीव करना है पहले उसका नाम आएगा और फिर वो वाला मैसेज जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से सेंड और रिसीव जो है दोनों के अंदर, सेंडर भी और रिसीवर दोनों को जो है एक दूसरे के नामों का पता होना चाहिए। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास डायरेक्ट कम्युनिकेशन में आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पे जो अगर हम बात करें डायरेक्ट कम्युनिकेशन की, तो इसमें यहाँ पे देख लें कि कुछ प्रॉपर्टीज हैं यहाँ पे। हमारे पास क्या होता है कि दो प्रोसेस है अगर पी और क्यू जो है, तो इनके दरमियान जो है एक डायरेक्ट लिंक जो है वो हमारे पास यहाँ पे बन जाता है, ठीक है। तो एक लिंक जो है वो ऑटोमेटिकली जो है इन दोनों के दरमियान क्या हो जाता है, इस्टेब्लिश हो जाता है, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास क्या, लिंक इज एसोसिएटेड विद एग्जैक्टली टू प्रोसेसेस। तो दो प्रोसेसेस के दरमियान एग्जैक्टली एक ही लिंक हमारे पास मौजूद होगा। एग्जैक्टली वन लिंक एग्जिस्ट बिटवीन ईच पेयर ऑफ प्रोसेस। अगर हमारे पास बिलफर्ज एक और प्रोसेस जे के नाम से मौजूद है, तो इनके दरमियान भी एग्जैक्टली जो है वो वन लिंक हमारे पास यहाँ पे मौजूद होगा। तो ये मैं बात कर रहा था यहाँ पे डायरेक्ट कम्युनिकेशन में कि जिसमें हमारे पास क्या है, दोनों जो हमारे पास है सेंडर रिसीवर है उनको एक दूसरे का नामों का यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है। और इसी तरह से हमारे पास इसका एक और वेरिएंट जो है वो हमारे पास मौजूद है इसी सिस्टम का। उसमें हमारे पास क्या है, सेंडर जो है वो तो नेम मेंशन करता है रिसीवर का, लेकिन रिसीवर जो है उसके पास नेम नहीं होता सेंडर का, तो वो यहाँ पे उसकी हम आईडी वगैरह जो है वो डाल सकते हैं। तो इस तरह से इनके दरमियान भी जो है वो एक लिंक जो है वो जनरेट होगा, और ये दोनों प्रोसेस जो है वो क्या कर सकते हैं, आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास डायरेक्ट में आपने याद रखना है कि दोनों को एक दूसरे के नामों का पता होना चाहिए। इनडायरेक्ट में क्या होगा, दोनों को एक दूसरे का नामों का नहीं पता, सिर्फ सेंडर जो है वो नेम मेंशन करेगा, रिसीवर जो है उसकी आईडी वगैरह जो है वो मेंशन कर सकता है, ठीक है। ये हमारे पास डायरेक्ट कम्युनिकेशन थी। फिर फ्रेंड्स हमारे पास आ जाता है इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। तो इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन में हमारे पास क्या है, बिलफर्ज ये हमारा प्रोसेस है पी और ये हमारे पास प्रोसेस है क्यू। तो इसमें हमारे पास एक कंसेप्ट इस्तेमाल होता है मेल बॉक्स का, ठीक है। तो दरमियान में क्या होगा, कोई मेल बॉक्स हमारे पास मौजूद होगा, बिलफर्ज इसका नाम है जी ए, ठीक है। तो पी जो है वो अपनी ये जो मेल बॉक्स बनाया गया है ए वाला, इसमें अपना जो है वो सेंड करेगा, इसका लिंक बन जाएगा ए मेल बॉक्स के साथ। और इसी तरह से क्यू जो है वो उसका एक लिंक मौजूद होगा ए मेल बॉक्स के साथ। तो पी जो है वो अपना मैसेज भेजेगा इस मेल बॉक्स में और क्यू यहाँ से अपना मैसेज जो है वो रीड कर लेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे पास क्या है, इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन जो है वो हमारे पास यहाँ पे हो जाती है। तो इसकी जो हमारे पास प्रॉपर्टीज है वो यहाँ पे देख लें कि हमारे पास अ लिंक इज एस्टेब्लिश्ड बिटवीन द अ पेयर ऑफ प्रोसेसेस ओनली इफ द बोथ मेंबर्स हैव अ शेयर्ड मेल बॉक्स। तो ये दोनों क्या करेंगे, कोई ना कोई मेल बॉक्स जो है उसको आपस में लाजमी शेयर करेंगे, और तब ही इनके दरमियान जो है यहाँ पे कोई लिंक जो है हमारे पास जनरेट हो पाएगा। अ लिंक इज एसोसिएटेड विद मोर देन टू प्रोसेस। तो यहाँ पे हमारे पास जो लिंक है वो दो से ज्यादा प्रोसेस में मौजूद हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जे जो है वो भी यहाँ पे क्या कर सकता है, इस मेल बॉक्स को यहाँ पे ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास दूसरा वे था, क्या कहते हैं इसका, इनडायरेक्ट हमारे पास कम्युनिकेशन हो रही होती है, इसमें हमारे पास मेल बॉक्स का कंसेप्ट जो आ गया। थर्ड हमारे पास जो तरीकाकार है वो है हमारे पास फ्रेंड्स सिंक्रोनाइजेशन का, ठीक है। तो यहाँ पे वो कहता है कि कम्युनिकेशन बिटवीन प्रोसेसेस टेक प्लेस बाय कॉल्स टू सेंड एंड रिसीव प्रिमिटिव्स। तो यहाँ पे हमारे पास कोई प्रोसेस फंक्शंस होंगे जिनको कॉल करके मैसेजेस जो हैं वो एक प्रोसेस जो है दूसरे के साथ शेयर कर सकता है। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो है ब्लॉकिंग और नॉन ब्लॉकिंग,
तो इस तरह से हमारे पास जो है जिन्हें हम सिंक्रोनियस एंड एसिंक्रोनियस भी कह देते हैं, तो इस तरीके से हमारे पास जो है वो क्या होता है, मैसेज पासिंग हो रही होती है। तो ब्लॉकिंग सेंड में हमारे पास क्या होगा कि जिसने मैसेज सेंड किया है वो खुद ब्लॉक हो जाएगा जब तक मैसेज जो है वो सेंड नहीं होता, ठीक है। तो सेंडिंग प्रोसेस जो है वो ब्लॉक हो जाएगा। और नॉन ब्लॉकिंग सेंड में हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास पेरेंट जो है एक प्रोसेस जो है उसने दूसरे को जो है वो पास कर दिया है मैसेज, और खुद भी वो इस वक्त एग्जीक्यूट हो रहा है, वो ब्लॉक नहीं हुआ, ठीक है। इसी तरह से ब्लॉकिंग रिसीव में क्या होगा कि जो रिसीवर है वो ब्लॉक हो जाएगा अंटिल के वो सारे का सारा मैसेज या मुकम्मल मैसेज वो रिसीव नहीं कर लेता। और नॉन ब्लॉकिंग का अब आपको पता चल गया होगा कि नॉन ब्लॉकिंग में वो वेट नहीं करेगा, ठीक है, और दोनों प्रोसेस जो है वो सेम टाइम पे जो है वो रन होते रहेंगे, ठीक है, सेंडर भी और रिसीवर भी। तो ये हमारे पास था सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है। तो इसमें ये चार चीजें जो है वो हमने देख लेनी है। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रेंड्स बफरिंग। तो बफरिंग हमारे पास क्या है कि हमारे पास मैसेज जो है वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जो है वो यहाँ पे सेंड हो रहे होते हैं, और इसके लिए हमारे पास क्या है मेमोरी के अंदर एक टेम्परेरी क्यू जो है वो बना दी जाती है, ठीक है। और ये जो क्यू है ये तीन तरह की हमारे पास हो सकती है। जीरो कैपेसिटी, तो जीरो कैपेसिटी में हमारे पास क्या है इसकी लेंथ जो है हमारे पास क्यू की लेंथ जो है वो क्या होती है हमारे पास जीरो होती है। तो इसमें हमारे पास क्या है कि किसी भी मैसेज ने वेट नहीं करना, बल्कि जैसे ही वो मैसेज आएगा तो फौरन से वो चाहे उसका जो जिसे पास किया गया होगा उसकी तरफ भेज दिया जाएगा। बाउंडेड कैपेसिटी में हमारी जो क्यू होती है इसमें फाइनाइट लेंथ होती है, ठीक है। बिलफर्ज इसके अंदर जो हम कह सकते हैं जी पांच मैसेज जो है उसके अंदर लग सकते हैं। तो अगर हमारे पास यहाँ पे तीन पहले से मैसेज पड़े हुए हैं तो जो नया मैसेज आएगा वो इस क्यू में आके लग जाएगा, ठीक है। और इस तरह से जब तक ये फिल नहीं होती तो सेंडर जो है वो क्या करता रहेगा इस क्यू के अंदर जो है अपने मैसेजेस सेंड करता रहेगा। और जब ये वाली क्यू जो है वो यहाँ पे हमारे पास फिल हो जाती है तो यहाँ पे हमारे पास सेंडर जो है वो उसको क्या कर दिया जाएगा, ब्लॉक कर दिया जाएगा। अनबाउंडेड कैपेसिटी जो है वो हमारे पास ये है कि क्यू जो है उसमें इनफाइनाइट हमारे पास लेंथ होती है और सेंडर और रिसीवर जो है वो कभी भी ब्लॉक नहीं होते, बल्कि वो क्या होते रहते हैं इस क्यू में मैसेज सेंडर जो सेंड करता रहता है और रिसीवर जो है उसमें से मैसेज जो है वो रिसीव करता रहता है। तो ये हमारे पास कुछ तरीकाकार थे इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के कि किस तरह से मुख्तलिफ प्रोसेस जिनकी एड्रेस स्पेस भी सेम नहीं है वो आपस में जो है वो आपस में मैसेजिंग जो है वो कर सकते हैं। तो यूनिक्स लिनक्स जो है इसके अंदर हमारे पास इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के लिए कुछ टूल्स इस्तेमाल होते हैं। आपने जस्ट जो है इनके नाम जो है वो याद रख लेने हैं। पाइप है हमारे पास, नेम्ड पाइप है, BST सॉकेट, TLI, मैसेज क्यू, शेयर्ड मेमोरी वगैरह जो है, ये चार पांच नाम है जो कि इस्तेमाल होते हैं हमारे पास यूनिक्स या लिनक्स में जब यहाँ पे प्रोसेसेस ने आपस में कम्युनिकेशन करनी होती है। तो ये जस्ट आप नाम याद रख लीजिएगा। वैसे इसमें जो पहली चीज है वो मैंने यहाँ पे बता दी है, वो है फ्रेंड्स हमारे पास पाइप्स। तो पाइप्स हमारे पास क्या है कि पाइप हमारे पास असल में क्या है, एक सिस्टम कॉल है, ठीक है। पाइप हमारे पास क्या है, सिस्टम कॉल है। तो इस सिस्टम कॉल की मदद से क्या होता है कि एक प्रोसेस जब इस सिस्टम कॉल को कॉल किया जाता है तो तब हमारे पास जो है इस तरह से एक जैसे पानी वाला पाइप होता है उस तरह की कोई चीज जो है हमारे पास मान जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो एक प्रोसेस जो है उसकी आउटपुट जो है वो दूसरा प्रोसेस जो है उसकी क्या बन जाती है, इनपुट जो है वो हमारे पास बन जाती है। ये जो पाइप होता है ये हमारे पास वन वे है, ठीक है। मतलब यहाँ से हम राइट करेंगे और दूसरी तरफ वो रीड हो रहा होगा, ऐसा नहीं होगा कि ये भी इस तरफ डाटा जो अपना राइट करना शुरू कर दे। इस वजह से इसको हाफ डुप्लेक्स भी बोला जाता है। ये वन वे कम्युनिकेशन जो है वो हमारे पास हो रही होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देख ले कि यहाँ पे जो कम्युनिकेशन होती है आमतौर पे ये या तो प्रोसेस आपस में सिबलिंग्स होंगे, मतलब इनका पेरेंट एक ही होगा, या इनमें कोई पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप होगा, तो वहां पे ये जो पाइप वाली मैसेज कॉल है उसको इस्तेमाल किया जाता है। तो ये चीज जो है थोड़ी सी आपने यहाँ जहन में रखनी है। एक और एमसीक्यू के हवाले से मैंने एक नोट टाइप यहाँ पे दिया हुआ है, जोम्बी प्रोसेस। तो जोम्बी प्रोसेस हमारे पास ऐसे प्रोसेस होते हैं जो टर्मिनेट तो हो गए हैं, ठीक है, लेकिन उनका जो एग्जिट स्टेटस है वो अभी तक उनके जो पेरेंट है उसको अभी तक रिसीव नहीं हुआ। तो ऐसे प्रोसेस को जोम्बी प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि उनके प्रोसेस ने खुद को ब्लॉक कर रखा होगा कि जैसे ही मेरा चाइल्ड जो है वो खत्म होगा तो मैं खुद को जो है वो कंटिन्यू करूंगा। तो इस तरह के जो प्रोसेस हैं उनको जोम्बी प्रोसेस कहते हैं, जिनका एग्जिट का स्टेटस जो है उनके पेरेंट को नहीं मिलता। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे पास काफी इजी है और मुझे उम्मीद है कि आप में से बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी इसके बारे में पता भी होगा।
ये हमारे पास कि व्हाट इज थ्रेड, थ्रेडिंग, ठीक है। तो थ्रेड जो है वो हमारे पास, अगर हम रियल लाइफ में बात करें थ्रेड की, तो आप में से मुझे कोई बता सकता है कि थ्रेड का मतलब क्या होता है? थ्रेड किसे कहते हैं अपने रियल लाइफ में? क्यों जी आप थ्रेड मोस्टली मतलब सर वो लाइट वेट्स पर एक साथ लगा नहीं बताओ नहीं हमारी रियल लाइफ में थ्रेड किसे कहते हैं आम जिंदगी में? तो बीइंग गर्ल आपको तो सबको पता होना चाहिए था। खैर मैं बता देता हूँ, थ्रेड हमारे पास कहा जाता है, धागा होता है ना धागा, ये सिलाई कढ़ाई वगैरह के लिए, तो उसे हम थ्रेड बोलते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये जो थ्रेड हमारे पास है, कोई छोटी चीज है या कोई मतलब कि कोई थीक या इस तरह की कोई चीज नहीं है, इस तरह का कंसेप्ट जो हमारे माइंड में आता है। तो थ्रेड जो है वो हमारे पास, अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो वो यहाँ पे हमारे पास कहता है कि ये हमारे पास क्या है, एक लाइट वेट प्रोसेस है या लाइट वेट सब प्रोसेस है, और ये छोटे सी छोटी चीज है जो प्रोसेसिंग करती है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास कोई प्रोसेस है जिसके अंदर हमारे पास हमने क्या किए हैं, छोटे छोटे बहुत सारे मजीद प्रोसेसेस जो है वो बना दिए हैं, ठीक है। और ये थ्रेड करने का हमारे पास, ये मल्टी थ्रेडिंग का करने का हमारे पास फायदा क्या है? मल्टी थ्रेडिंग करने का फायदा जो है हमारे पास, हम क्या चाह रहे हैं, हम मल्टी टास्किंग को अचीव करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो मल्टी टास्किंग हमारे पास क्या है कि पैरेलल जो है वो हमारे पास बहुत सारे प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूट होने की कोशिश कर रहे हैं, अगर हमारे पास मल्टी प्रोसेसिंग अगर हम करें तो, ठीक है। तो जो मल्टी टास्किंग है इसको दो तरह से अचीव किया जा सकता है। पहले तो मल्टी टास्किंग को मैं दोबारा से रिवाइज कर दूं कि मल्टी टास्किंग हमारे पास ये है कि हम पैरेलली एक से ज्यादा काम करने की कोशिश करें अगर हमारे पास मल्टी प्रोसेसर मौजूद है, और अगर हमारे पास सिर्फ एक प्रोसेसर मौजूद है तो फिर हम क्या कर रहे हैं, कंकरेंटली बहुत सारे प्रोसेसेस जो है उनको जो है वो जल्दी जल्दी सीपीयू के पास भेजते हैं, और इस तरह का जो यूजर है उसको कंसेप्ट जाता है जैसे पैरेलली जो है हमारा सिस्टम जो है वो क्या कर रहा है, एग्जीक्यूशन कर रहा है, ठीक है। तो जब हम हमारे पास दो तरीका कर रहे हैं मल्टी टास्किंग के लिए, मल्टी प्रोसेसिंग, तो मल्टी प्रोसेसिंग हमने क्या कहा था कि हमारे पास एक से ज्यादा प्रोसेसर मौजूद होते हैं, ठीक है, और एक से ज्यादा प्रोसेसर मौजूद होने की वजह से हर प्रोसेस जो है, प्रोसेसर जो है एक एक प्रोसेस को लेके काम करता रहता है और पैरेलल हमारे पास एग्जीक्यूशन अचीव हो जाती है। दूसरी चीज है हमारे पास मल्टी थ्रेडिंग। तो मल्टी थ्रेडिंग जो है इसमें हमारे पास क्या होगा, एक ही प्रोसेस होगा लेकिन उसके अंदर हमने मजीद जो है वो थ्रेड बना दिए हैं। जैसे कि मैं मिसाल दूं, यहाँ पे हमारे पास एक ब्राउजर है, तो उस ब्राउजर के अंदर हम क्या कर सकते हैं, सर्चिंग भी कर सकते हैं, सेम टाइम में उसी के अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, डाउनलोडिंग भी कर रहे होते हैं। तो इस तरह से एक ही प्रोसेस के अंदर जो है वो हम क्या कर रहे हैं, एक से ज्यादा काम करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे एमएस वर्ड है तो उसी के अंदर हम टाइप भी कर सकते हैं, स्पेल चेकर उसके अंदर मौजूद है, और इसी तरह से बहुत सारी और फैसिलिटीज जो है उसके अंदर मौजूद है। तो ये हमारे पास क्या, एक छोटा सा कंसेप्ट जो आप देख सकते हैं मल्टी थ्रेडिंग के हवाले से। तो जब हमने चूज करना हो कि मल्टी प्रोसेसिंग को मल्टी टास्किंग के लिए इस्तेमाल करें या मल्टी थ्रेडिंग को, तो हम क्या करते हैं, मल्टी थ्रेडिंग को चूज करते हैं। इसकी वजह क्या है, हमारे पास कुछ बेनिफिट्स हैं मल्टी थ्रेडिंग के ओवर मल्टी प्रोसेसिंग। तो वो हमारे पास क्या है कि सबसे पहला तो हमारे पास यहाँ ये वाला डायग्राम आप देखें, आपको ज्यादा बेहतर समझ आ जाएगा कि ये हमारे पास तीन प्रोसेस इस वक्त चल रहे हैं। ये प्रोसेस वन है, ये प्रोसेस टू है, और इसी तरह से ये हमारे पास क्या है, प्रोसेस थ्री जो है वो हमारे पास मौजूद है। अब प्रोसेस वन जो है इसके अंदर आप देखें कि हमारे पास क्या है, तीन थ्रेड जो है वो यहाँ पे मौजूद है, ये T1, T2 और T3 जो है तीन थ्रेड मौजूद है। प्रोसेस टू के अंदर हमारे पास दो थ्रेड जो है वो मौजूद है, और प्रोसेस थ्री जो है उसके अंदर हमारे पास क्या है, ओनली वन थ्रेड जो है वो हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। हाँ जी सर, अलीज़, मुझे पूछना ये था कि ये जो थ्रेड है ये हम कह सकते हैं कि एक प्रोसेस का ही सबसेट है, प्रोसेस जी, इसी वजह से अगर का आप, ही पार्ट है। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि आपको यहाँ पे भी नजर आ रहा है कि ये हमारे पास क्या है, सब प्रोसेस है, मतलब कि प्रोसेस के अंदर हमारे पास क्या है, छोटे छोटे मजीद प्रोसेसेस जो हैं वो हमारे पास एग्जीक्यूट हो रहे हैं। जी तो हमने प्रोसेस को मतलब सेगमेंट्स की तरह डिवाइड किया हुआ है, तो फिर वो थ्रेड बने हैं। उसमें ये है कि हमने मुख्तलिफ काम करने के लिए एक ही वक्त में अपना जो प्रोसेस है उसको अलहदा अलहदा जो है वो तकसीम कर दी है कि ये वाला हमारा जो पीस ऑफ कोड है ये वाला काम सर अंजाम देगा, कोई और पीस ऑफ कोड जो है वो दूसरा काम जो है वो हमारे पास सर अंजाम देगा, ठीक सर, ठीक थैंक हो यू। गया। हाँ जी अच्छा, इसमें हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये क्या करते हैं, हमारे पास जो थ्रेड्स होते हैं वो एड्रेस स्पेस को आपस में शेयर करते हैं। ये प्रोसेस वन की अगर एड्रेस स्पेस है
तो T1, T2 और T3 जो है इसमें क्या कर रहे हैं, इस एड्रेस स्पेस को आपस में जो है वो शेयर कर रहे हैं। तो इसका हमारे पास बेनिफिट क्या आ जाता है कि अगर इनमें जो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होती है प्रोसेस की, अगर आप प्रोसेस लेवल पे हम बात करें तो हमारे पास कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग जो है वो काफी महंगी पड़ती है। मतलब काफी ज्यादा टाइम जो है वो प्रोसेसर का कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में लग रहा होता है, ठीक है, जो कि हमने कल टॉपिक देखा था। और अगर हम थ्रेडिंग की बात करें तो थ्रेड में हमारे पास कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग जो है वो एज कम्पेयर टू प्रोसेस कॉन्टेक्ट स्विचिंग जो है वो हमारे पास काफी ज्यादा जो है वो सस्ती पड़ती है। फिर इसमें दूसरा ये है कि जब हमने प्रोसेस में कॉन्टेक्ट स्विचिंग करनी होती है तो उसमें जो हमारा कर्नल है उसको इन्वॉल्व होना पड़ जाता है, जबकि यहाँ पे जो एक प्रोसेस के अंदर थ्रेड्स आपस में जो है वो कॉन्टेक्ट स्विचिंग कर रहे हैं तो वहां पे प्रोसेसर जो है, जो हमारा कर्नल है, उसको इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब कर्नल जो है उस पर ज्यादा बोझ नहीं आता, ठीक है। तो इसके कुछ और यहाँ पे स्टेटमेंट्स हैं वो हम पढ़ लेते हैं। कहते हैं कि हम यहाँ पे ये क्या करेंगे, सबसे पहले तो है कि शेयर्ड मेमोरी एरिया, तमाम थ्रेड्स जो हैं किसी एक प्रोसेस के वो मेमोरी एरिया को शेयर करेंगे, ठीक है। दे डू नॉट एलोकेट सेपरेट मेमोरी एरिया, सो हमारे पास मेमोरी जो है वो बच जाती है। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग जो है थ्रेड्स के दरमियान वो हमारे पास क्या हो जाती है, वो हमें ज्यादा कॉस्टली नहीं पड़ती, ठीक है। तो ये हम बात कर चुके हैं कि मल्टीटास्किंग दो तरह से हमारे पास परफॉर्म की जा सकती है, प्रोसेस बेस्ड हो सकती है और थ्रेड बेस्ड जो है वो हमारे पास हो सकती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे प्रोसेस बेस्ड अगर हम मल्टी थ्रेडिंग देखें, मल्टी टास्किंग देखें, ठीक है, जिसे हम मल्टी प्रोसेसिंग भी कह सकते हैं, तो इसमें हमारे पास क्या है, हर प्रोसेस की अपनी अपनी एड्रेस स्पेस है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हर प्रोसेस जो है वो अपनी अपनी जगह जो है वो लेगा, जो मेमोरी है उसके अंदर। प्रोसेस हमारे पास हैवी वेट होता है। कॉस्ट ऑफ कम्युनिकेशन जो है आईपीसी, जो अभी अभी हमने पढ़ा है कि दो प्रोसेस के दरमियान कम्युनिकेशन होती है, वो हमें काफी महंगी पड़ती है क्योंकि दोनों के एड्रेस स्पेस मुख्तलिफ है। और इसी तरह से कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग जो है वो हमारे पास काफी कॉस्टली पड़ती है अगर हम मल्टी प्रोसेसिंग की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम मल्टी टास्किंग को अचीव करने की कोशिश करते हैं मल्टी प्रोसेसिंग के थ्रू। इसके मुकाबले में अगर हम मल्टी थ्रेडिंग की मदद से मल्टी टास्किंग को अचीव करते हैं तो तब हमारे पास क्या होता है कि तमाम थ्रेड जो है वो सेम एड्रेस स्पेस को जो है वो आपस में क्या करते हैं, शेयर करते हैं। अभी अभी हम देख के हैं ये हमारे पास क्या होते हैं, लाइट वेट होते हैं, और इनमें जो कम्युनिकेशन कास्ट है वो भी हमारे पास क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और एक और पॉइंट यहाँ पे मौजूद नहीं है, वो ये है कि हमारे पास कॉन्टेक्ट स्विचिंग जो है वो भी हमारे पास क्या हो जाती है, काफी जो है वो हमारे पास चीप पड़ती है, हमें ज्यादा कॉस्टली नहीं पड़ती। तो ये चीजें जो है आपने माइंड में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ चीजें जो हैं, पहले यहाँ पे देख लें कि ये आपके पास क्या है। हमें पता है कि हमारा प्रोसेस जो है उसके पास काफी तरह की चीजें होती हैं, जैसे कि कल हमने बात की थी कोड सेक्शन होता है, उसके पास कोई फाइल्स होती हैं, उसका जो डेटा उसको पास मुख्तलिफ वेरिएबल्स वगैरह में पड़ा होता है, स्टैक होता है, काउंटर होता है, काउंटर वेरिएबल की वैल्यू, और इसी तरह से मुख्तलिफ रजिस्टर्स की वैल्यू हमारे पास किसी प्रोसेस के अंदर पड़ी होती है। तो ये हमारे पास पूरे का पूरा एक ही प्रोसेस है जिसमें सिर्फ एक थ्रेड हमारे पास मौजूद था, ठीक है। अब ये वाली अगर आप इमेज देखें तो इसमें हमारे पास क्या है, तीन थ्रेड यहाँ पे मौजूद है, पहला, दूसरा और तीसरा थ्रेड। अब ये तीनों थ्रेड जो हैं वो डेटा, फाइल और कोड, ये चीजें तो इनकी हैं मुश्तरक, जबकि यहाँ पे आप देखेंगे कि रजिस्टर हो गया, काउंटर हो गया या स्टैक वगैरह हो गया, ये हर थ्रेड के अपने अपने हैं। ये थ्रेड वन के अपना रजिस्टर वैल्यूज होंगी, काउंटर जो है जो काउंटर रजिस्टर है या स्टैक है उसकी अपनी अपनी जो है वैल्यूज होंगी, थ्रेड टू के अपना जो है वो सब वैल्यूज जो है वो कंटेन करेगा मुख्तलिफ रजिस्टर्स वगैरह के अंदर, स्टैक के अंदर, और थ्रेड थ्री जो है इसी तरह से उसकी अपनी वैल्यूज होंगी, उसके अपना रजिस्टर होगा या रजिस्टर वैल्यूज होंगी, जो काउंटर है उसकी वैल्यू होगी और स्टैक जो है उसकी अपनी वैल्यूज होंगी। तो कहने का मतलब ये है कि ये तीन चीजें जो हैं थ्रेड्स आपस में शेयर करते हैं, और कुछ ऐसी चीजें हैं जो थ्रेड्स की अपनी अपनी मलकियत होती हैं, या हर थ्रेड जो है वो अलग से वो उनमें एग्जीक्यूशन कर रहा होता है। तो ये जो पैराग्राफ है इसके अंदर यही बातें जो है वो यहाँ पे बताई गई है, ठीक है। मजीद ये पढ़ लीजिएगा आप, प्रोसेस और थ्रेड के अंदर हमारे पास फर्क, कि प्रोसेस जो है वो हैवी वेट है, थ्रेड लाइट वेट है। प्रोसेस स्विचिंग यहाँ पे हमारे पास क्या होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम को यहाँ पे हिस्सा लेना पड़ता है, ठीक है, और यहाँ पे थ्रेड स्विचिंग में हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम हिस्सा नहीं लेता। यहाँ पे देख लें कि मल्टी प्रोसेसिंग में एनवायरनमेंट जो होता है, ईच प्रोसेस एग्जीक्यूट द सेम कोड बट हैज इट्स ओन प्रोसेस मेमोरी एंड फाइल रिसोर्सेज। तो अब हमारे पास बिलफर्ज अगर मैं कोई टेक्स्ट एडिटर चलाता हूँ,
मैं उसको चार बार एग्जीक्यूट करता हूँ। अब हालांकि उस कोड सेम है तमाम प्रोसेसेस का, लेकिन इसके बावजूद हर बार जब मैं टेक्स्ट रीडर को रन करूंगा तो मेमोरी के अंदर वो क्या करेगा, हर प्रोसेस जो है अपनी अपनी जगह घेरेगा। जबकि इसके मुकाबले में हमारे पास क्या होगा, तमाम थ्रेड जो है वो सेम जो है उनके पास सेटअप ओपन फाइल्स होगा, चाइल्ड प्रोसेस वगैरह जो है वो सारे जो है वो आपस में क्या कर रहे होंगे, शेयर कर रहे होंगे। अच्छा यहाँ पे है कि इफ वन प्रोसेस इज ब्लॉक्ड देन नो अदर प्रोसेस कैन एग्जीक्यूट अंटिल द फर्स्ट प्रोसेस इज अनब्लॉक्ड। तो मल्टी प्रोसेसिंग जो है उसके अंदर हमारे पास, हमने देखा था कि हमारे पास सिंक्रोनियस जो हमारे पास एक मल्टी प्रोसेसिंग थी कि उसके अंदर अगर एक प्रोसेस ब्लॉक हो जाता है तो बाकी प्रोसेस जो है वो भी जो है वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाते। जबकि मल्टी थ्रेडिंग जो है उसमें हमारे पास कुछ इस तरह का कंसेप्ट मौजूद नहीं है, ठीक है। तो वाइल वन थ्रेड इज ब्लॉक एंड वेटिंग अ सेकेंड थ्रेड इन द सेम टास्क कैन रन। तो जब एक थ्रेड किसी वजह से अगर ब्लॉक हो भी जाता है तो दूसरे थ्रेड्स जो है वो अपना काम जो है वो जारी रखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या है कि मल्टीपल जो हमारे पास प्रोसेसेस होते हैं वो क्या करते हैं, वो ज्यादा रिसोर्सेज, मतलब हर एक को अपने अपने रिसोर्सेज चाहिए, जबकि थ्रेड्स जो हैं वो आपस में रिसोर्सेज को शेयर कर लेते हैं। इस वजह से यहाँ पे रिसोर्सेज की ज्यादा तादाद नहीं चाहिए होती। और यहाँ पे आखिरी जो है वो हम देख लेते हैं कि इन मल्टी प्रोसेसेस ईच प्रोसेस ऑपरेट्स इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। यहाँ पे हर प्रोसेस जो है वो अलग अलग एड्रेस स्पेस है, अलग अलग वो क्या कर रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है। जबकि यहाँ पे रीड राइट या उसमें कोई अगर चेंज किया जाता है तो सब एक ही जगह पे हमारे पास यहाँ पे हो रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे है कि एडवांटेज ऑफ मल्टी थ्रेडिंग। जी क्वेश्चन करें। सर मल्टी थ्रेडिंग जैसे कि आपने बताया कि थ्रेड्स होते हैं साइमल्टेनियसली रन हो रहे होते हैं, तो इसमें एक कॉन्सेप्ट है रिमोट प्रोसीजर कॉल का, उसको थोड़ा सा ब्रीफ कर दें, ये क्या है, कब, मतलब इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होती है या कोई कॉल, एक फंक्शन कॉल है जो जनरेट होती है? रिमोट प्रोसीजर कॉल, जी रिमोट प्रोसीजर कॉल जहां तक मेरे माइंड में है वो तो बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है इससे। उसमें हमारे पास क्या होता है कि किसी और मशीन, मल्टी थ्रेडिंग में, जी जी ये मल्टी थ्रेडिंग में जैसे साइमल्टेनियसली ये थ्रेड्स रन, तो उसमें कम्युनिकेशन के लिए रिमोट प्रोसीजर कॉल यूज होती है। मुझे इसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ कि ये क्या कॉन्सेप्ट है। रिमोट प्रोसीजर कॉल जो है ना, जो अभी मेरे माइंड में है वो ये है कि आपका सिस्टम जो है कहीं और पड़ा हुआ है, मतलब आप रिमोटली वहां पे क्या कर रहे हो, किसी प्रोसीजर को, किसी फंक्शन को कॉल कर रहे हो, ठीक है। और ये हमारे पास ये J2E जो है एंटरप्राइज लेवल की जो हमारे पास बनती हैं एप्लीकेशंस, उनमें ये वाला कॉन्सेप्ट जो है इस्तेमाल होता है कि आप किसी और जगह पे बैठे हो, मैं कहीं और जगह पे बैठा हूँ, तो मैं यहाँ पे बैठे हुए क्या करूँगा, आपका जो सिस्टम है या उसके अंदर कोई फंक्शंस हैं उनको मैं कॉल करने की कोशिश करूंगा। ये हमारे पास है, वो आप कह सकते हैं कि बिल्कुल इससे हटके है हमारे पास, मतलब आज का हमारा जो टॉपिक है उससे तो उसका नहीं है कोई तल्लुक। तो रिमोट प्रोसीजर कॉल, ठीक है, तो रिमोटली आप प्रोसीजर्स को कॉल कर रहे हैं। तो टाइप्स ऑफ थ्रेड, तो हमारे पास दो तरह के थ्रेड हैं, यूजर लेवल थ्रेड और कर्नल लेवल थ्रेड। तो यूजर लेवल थ्रेड्स हमारे पास क्या हैं, ऐसे थ्रेड्स हैं जो हमारे पास क्या होते हैं, यूजर जो है जिनको रन करवाने के लिए कर्नल की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। और इसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ खास तरह की थ्रेड लाइब्रेरीज को जो है वो इस्तेमाल करते हैं, और ये यूजर लेवल पर ही हमारे पास क्या होते हैं, रन हो रहे होते हैं। तो यहाँ पे देख लें कि यहाँ पे हमारे पास कर्नल जो है वो इन्वॉल्व नहीं हो रहा होता, बल्कि हमारे जो यूजर स्पेस है उसी के अंदर क्या हो रहे होते हैं, हमारे ये वाले जो थ्रेड्स हैं, यूजर लेवल थ्रेड्स हैं, वो यहाँ पे रन हो रहे होते हैं। और यहाँ पे चूंकि कर्नल वगैरह इसमें इन्वॉल्व नहीं है, ये अपनी ही एग्जीक्यूशन कर रहे होते हैं, ठीक है। और इस वजह से ये क्या है, यहाँ पे हमारे पास फास्ट है और इनको क्रिएट और मैनेज करना जो है वो काफी ज्यादा तेज हो जाता है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक अहम लाइब्रेरी है, इसको आपने याद रखना है, ये POSIX POSIX pthreads एक लाइब्रेरी हमारे पास मौजूद है जिसकी मदद से क्या किया जाता है, यूजर लेवल थ्रेड्स जो है वो क्रिएट किए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई ऐसे कोई फंक्शंस वगैरह जो है हमारे पास मौजूद होंगे इस लाइब्रेरी में, जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, यूजर लेवल थ्रेड्स जो है उनको जो है वो क्रिएट किया जाता है। तो अगर मैं इसको समराइज करूँ तो यूजर लेवल थ्रेड्स ऐसे हैं जो यूजर स्पेस के अंदर जो है वो रन होते हैं, कर्नल इनमें इन्वॉल्व नहीं होता, चाहे वो क्रिएट हो रहे हो, टर्मिनेट हो रहे हो, या कोई भी इस तरह का प्रोसेस इसमें हो रहा हो,
तो कर्नल को इन चीजों के बारे में इलम नहीं होता, ये यूजर लेवल पर ही ये सारी चीजें जो हमारे पास हो रहे होते हैं। और इसमें हमारे पास जो एक अहम लाइब्रेरी है वो इसके बारे में pthreads के बारे में मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये अगर आप इमेज देखें ये वाली, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये पहला प्रोसेस है, ये दूसरा प्रोसेस है। तो यहाँ पे हमारे पास इसके अंदर कुछ थ्रेड्स मौजूद हैं और इसके अंदर भी कुछ थ्रेड मौजूद है। तो कर्नल जो है उसको नहीं पता कि इस प्रोसेस के अंदर कुछ मजीद थ्रेड्स चल रहे हैं। वो किसके साथ कम्युनिकेट करेगा? वो पूरे पूरे प्रोसेस के साथ कम्युनिकेट करेगा, उसको इन थ्रेड्स के बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं है। तो ये हमारे पास यूजर लेवल थ्रेड्स जो कहलाते हैं, ठीक है। तो यूजर लेवल थ्रेड्स स्विचिंग जो है वो हमारे पास क्या है, कर्नल मोड प्रिविलेज की जरूरत नहीं है, ठीक है। कर्नल इसमें चूंकि इन्वॉल्व भी नहीं होता। यूजर लेवल थ्रेड्स के नॉन ऑन एनी ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये हमारे पास जो हमारा प्लेटफॉर्म है वो कोई भी है, हमारे पास विंडोज है या नीचे कोई लिनक्स वगैरह चल रही है, तो हर जगह पे ये थ्रेड्स जो है वो काल हो जाएंगे। इसी तरह से यहाँ पे है कि ये हमारे पास क्या होते हैं, फास्ट हैं, इनको क्रिएट करना मैनेज करना ये चीजें हम पहले ही देख चुके हैं। कर्नल लेवल थ्रेड्स, तो कर्नल लेवल थ्रेड्स हमारे पास जैसा कि नाम ही बता रहा है कि यहाँ पे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम या हमारा जो कर्नल है वो डायरेक्टली क्या होता है, इन्वॉल्व होता है, ठीक है। द कर्नल परफॉर्म द स्केजलिंग क्रिएशन एंड मैनेजमेंट, तो ये इस तरह के सारे काम जो है वो कौन करता है, हमारा कर्नल जो है वो इन्वॉल्व हो जाता है। और ये सारे जो थ्रेड्स हैं ये कहाँ पे चल रहे होते हैं, हमारे कर्नल के अंदर जो है वो चल रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारे पास क्या होते हैं, स्लोअर होते हैं। तो याद रखना है कि यूजर लेवल थ्रेड्स जो थे वो हमारे पास तेज थे, ठीक है। तो यहाँ पे विंडोज एंटी और विंडोज 2000 और इस तरह की कुछ मिसालें दी हैं, उनमें हमारे पास क्या था, कर्नल लेवल थ्रेड्स जो है हमारे पास मौजूद है। तो मल्टी थ्रेडिंग मॉडल्स जो है वो ये आप पढ़ लीजिएगा, एडवांटेज उम्मीद है अब आपको समझ आ जाएगी। मल्टी लेवल मल्टी थ्रेडिंग मॉडल्स, तो हमारे पास मल्टी थ्रेडिंग जो है वो तीन तरह से हो सकती है या तीन तरह के हमारे पास मेथड्स जो है वो मौजूद हैं। सबसे पहला तो है हमारे पास मैनी टू मैनी रिलेशनशिप, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि ये हमारी यूजर स्पेस है और ये हमारी क्या है, कर्नल स्पेस। तो अब हमारे पास क्या है, यूजर स्पेस के अंदर जो प्रोसेस है उसके अंदर क्या कर रहे हैं, यूजर लेवल थ्रेड्स जो है वो रन हो रहे हैं। जैसे यहाँ पे आप देखें तो तीन जो है वो प्रोसेस P1 के अंदर जो है वो तीन यहाँ पे थ्रेड्स मौजूद हैं, P2 के भी तीन थ्रेड मौजूद हैं। तो अब हर थ्रेड के अगेंस्ट जो है हमारे पास क्या होगा, कर्नल लेवल का एक थ्रेड जो है मौजूद होगा, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पे इस थ्रेड के लिए कोई और कर्नल लेवल का थ्रेड मौजूद है, और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, हर थ्रेड जो है यूजर लेवल का उसके लिए कर्नल लेवल पर एक थ्रेड जो है उसको एंटरटेन करने के लिए मौजूद होगा, ठीक है। तो ये चीज जो है वो आपने याद रखनी है, ये हमारे पास कहाँ पे है, मैनी टू मैनी मॉडल के अंदर जो है वो हम ये वाली बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे यूजर लेवल के 6 थ्रेड हैं तो कर्नल लेवल के 6 थ्रेड मौजूद होंगे उनको एंटरटेन करने के लिए। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास मैनी टू वन। तो मैनी टू वन में हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास क्या है कि बहुत सारे हमारे पास यूजर लेवल के थ्रेड्स होंगे, लेकिन उनको हमारे पास क्या होगा, कर्नल लेवल का सिर्फ एक थ्रेड जो है वो यहाँ पे क्या कर रहा होगा, एंटरटेन कर रहा होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रोसेस P1 के 3 थ्रेड थे, लेकिन कर्नल स्पेस में जो है हमारे पास क्या है, सिर्फ एक थ्रेड जो है उनके लिए मौजूद था। तो ये हमारे पास मॉडल जो था ये हमारे पास क्या है, मैनी टू वन जो है वो हमारे पास यहाँ पे ये मौजूद है। इसी तरह से हमारे पास है 1 to 1। तो 1 to 1 में हमारे पास क्या होता है कि यूजर का हर थ्रेड एक ही थ्रेड है, मतलब इस प्रोसेस के अंदर, और इसको लिए भी हमारे पास कर्नल की तरफ भी एक ही थ्रेड मौजूद है, और ये 1 to 1 जो है वो आपस में क्या कर रहे हैं, आपस में ये कर्नल जो है उसको एंटरटेन कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था, 1 to 1 मॉडल जो है वो हमारे पास मौजूद है, ठीक है। तो ये चीजें जो है वो बिल्कुल आसान है, ये आप पढ़ लीजिएगा, इसलिए मैंने ज्यादा जल्दी जो है इनको गो थ्रू किया है। तो ये हमारे पास क्या था, मल्टी थ्रेडिंग का यहाँ पे कॉन्सेप्ट था। आखिर लास्ट वन है जी हमारे पास यूजर लेवल थ्रेड्स और कर्नल लेवल थ्रेड्स, ये भी मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि ये चीजें जो है वो आप अभी अभी हम सब कुछ ये रिवाइज करके आए हैं, ठीक है। तो यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली जल्दी से पुट कर ले, वरना आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आखिरी टॉपिक है, ये असल में सिर्फ हम क्या करेंगे, एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे। ये हमारे पास है सीपीयू स्केजलिंग के हवाले से हमारा नया टॉपिक जो है वो यहाँ पे शुरू हो रहा है। तो थ्रेडिंग आम बुक्स में जो है वो पूरे का पूरा एक चैप्टर है, तो समझ लें कि वो हमने पूरा एक टॉपिक जो है वो कवर कर लिया है। नेक्स्ट जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो है हमारे पास सीपीयू स्केजलिंग। तो सीपीयू स्केजलिंग हमारे पास क्या है,
कि हमें पता है कि हमारे पास क्या है कि मुख्तलिफ अगर हम मल्टी प्रोग्रामिंग की बात करें तो हमारे पास क्या है, मुख्तलिफ प्रोसेस जो है वो एक वक्त में हमारे पास क्या है, एग्जीक्यूट होते रहते हैं, ठीक है। और ये जो प्रोसेसेस हैं ये जो है इनको मुख्तलिफ रिसोर्सेज की भी जारी बात है हमारे पास जरूरत होती है, ठीक है। तो हम अब हमारे पास प्रोसेस हमने कहा था दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक हमने कहा था आईओ बाउंडेड होते हैं और दूसरा हमने कहा था सीपीयू बाउंडेड होते हैं। आईओ बाउंडेड प्रोसेस हमारे पास ऐसे हैं जो कि ज्यादा इनपुट या आउटपुट करते हैं, जैसे कि हमारे पास अगर मैं वर्ड की मिसाल लूँ, एमएस वर्ड जो है इसमें हम ज्यादा टाइपिंग कर रहे होते हैं, मतलब उसको इनपुट दे रहे होते हैं। तो इस तरह के जो हमारे पास हैं इन ऐसे प्रोसेसेस को हम कहते हैं आईओ बाउंडेड प्रोसेस, ठीक है। और सीपीयू बाउंडेड हमारे पास क्या होते हैं कि बिलफर्ज अगर हम मूवी देख रहे हैं तो जो हमारा मीडिया प्लेयर होगा वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास होगा क्या कहते हैं सीपीयू बाउंडेड, ठीक है। तो अब हमारे पास जो है इस तरह के ये दो कॉन्सेप्ट जो है वो आपने याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम पढ़ें तो इन अ सिंपल कंप्यूटर सिस्टम द सीपीयू वुड देन यहाँ पे एक मिनट इन अ यूनिप्रोसेसर प्रोसेसर सिस्टम ओनली वन प्रोसेस मे रन एट अ टाइम, एनी अदर प्रोसेस मच वेट until the CPU is free and can be rescheduled, ठीक है। तो अगर हमारे पास सिर्फ एक प्रोसेसर लगा हुआ है तो वहाँ पे हमारे पास क्या हो सकता है कि अगर हम कोई ऐसा प्रोसेस वहाँ पे उठा के दें जो कि CPU bounded हो तो और वो जाके क्या करेगा CPU को पकड़ लेगा और बाकी के जो हैं वो क्या उन्हें क्या करना होगा, बहुत ज़्यादा वेट करना होगा, ठीक है। इसी तरह से अगर हमको IO वाला जो है वो ज़्यादा प्रोसेस जो है वो भेज देते हैं तो फिर हमारे पास क्या है जो हमारा CPU है वो ज़्यादा टाइम जो है वो फारिग बैठा रहेगा, ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा टाइम जो है वो कहाँ पे हमारे प्रोसेस गुजार रहे होंगे, अपने इनपुट या आउटपुट पे गुजार रहे होंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास जितने टाइम के लिए हमारा प्रोसेस जो है वो CPU को यूज़ करता है उसको हम कहते हैं CPU बर्स्ट, और जितने टाइम के लिए वो इनपुट आउटपुट कर रहा होता है उसे हम क्या कहते हैं इनपुट आउटपुट बर्स्ट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि एक स्टडी कहती है कि हमारे पास जो है ज़्यादा जो हमारा प्रोसेस होते हैं वो किस में टाइम गुजारते हैं, वो ज़्यादा टाइम गुजारते हैं CPU बर्स्ट के अंदर। तो यहाँ पे एक हिस्टोग्राम भी उन्होंने दिया हुआ है कि यहाँ पे हमारा जो कोई CPU जो प्रोसेस था उसने शुरू में तो CPU को यूज़ किया, लेकिन उसके बाद जो है हमारे पास जो है वो एक लीनियर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो यहाँ पे यूज़ करेगा CPU को, और ये स्टेटमेंट हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि कहते हैं कि Empirical study regarding the CPU burst of processes. The study shows that most of the processes have short CPU burst of 2 or 3 milliseconds. तो हमारे पास क्या है कि ज़्यादा processes जो हैं हमारे पास क्या करते हैं वो CPU burst जो है उनकी ज़्यादा 2 से 3 milliseconds की हमारे पास just होती है, ठीक है। हाँ जी पूछिएगा question. सीपीयू बस्ट को रिपीट करिएगा प्लीज। सीपीयू बस्ट कुछ भी नहीं है कि जितने टाइम के लिए कोई प्रोसेसिंग हो रही है ना सीपीयू के पास कोई गया हुआ है प्रोसेस हमारा वो हमारे पास सीपीयू बस्ट कहलाएगी। तो मिसाल के तौर पर यहाँ पे अगर हम ये कोई प्रोसेस है उसकी लाइफ साइकिल उन्होंने दी हुई है कि लोड स्टोर एड स्टोर रीड फ्रॉम फाइल, तो ये हमारे पास क्या है सीपीयू बस्ट है, ठीक है। तो ये सारे काम क्या है जितनी देर के लिए कोई प्रोसेस जो है वो सीपीयू के पास गया है उस वक्त को हम क्या कहेंगे जी सीपीयू बर्स्ट कहेंगे, ठीक है। फिर हमारा प्रोसेस जो है वो उसे किसी इनपुट आउटपुट की जरूरत पड़ जाती है तो वो उस तरफ चला जाता है, फिर वो इनपुट आउटपुट बर्स्ट उसकी जब मुकम्मल हो जाती है वो दोबारा सीपीयू के पास आ जाता है, यहाँ पे आके कोई इंक्रीमेंट करता है या कोई फाइल के अंदर वो राइटिंग करता है तो ये सीपीयू बर्स्ट उसकी हो जाती है, फिर आईओ जो है वो करने चला जाता है। मीन टू से कोई भी प्रोसेस जो है उसकी लाइफ जो है वो इसी तरह से होती है कि वो सीपीयू बर्स्ट करता है या हमारे पास क्या करता है आईओ बर्स्ट जो है वो उसमें वो बिजी रहता है। तो अब हमारे पास जो है ये हमारे पास कॉन्सेप्ट था यहाँ पे कि हमारा प्रोसेस जो उसकी लाइफ साइकिल जो उसकी जो लाइफ प्रोसेस है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया, ठीक है। तो यही इसमें हमारे पास कॉन्सेप्ट था सीपीयू बर्स्ट का और आईओ बर्स्ट का, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास सीपीयू स्केड्यूलर, ठीक है। तो हमारे पास अब जारी बात है कि हमने कल का जो हमारा था एक लेक्चर उसमें हमने बात की थी कि हमारे पास क्या होते हैं तीन तरह के स्केड्यूलर होते हैं। पहला तो था हमारे पास लॉन्ग टर्म, तो लॉन्ग टर्म क्या करता था जो हमारी जॉब क्यू है उसमें से जॉब उठा के रेडी क्यू के अंदर डालता था।
अब रेडी क्यू से उठा के शॉर्ट टर्म स्केजुलर या जिसको हम सीपीयू स्केजुलर बोलते हैं, वो क्या करता था, जॉब्स को हवाले कर देता था किसके, प्रोसेसर के, ठीक है। तो अब ये हमारा शॉर्ट टर्म स्केजुलर जो है, ये ही वो हमारा स्केजुलर है जो क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम उन्हीं प्रोसेसेस को जिनको वो चाह रहा है कि इस वक्त वो सीपीयू के पास जाए, तो उनको उठा उठा के वो क्या कर रहा होता है, सीपीयू की तरफ भेज रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप पढ़ेंगे, वेन एवर द सीपीयू बिकम्स आइडल द ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट सेलेक्ट वन ऑफ द प्रोसेस इन द रेडी क्यू टू बी एग्जीक्यूटेड। तो यहाँ पे हमारे पास शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर जो है वो काम आएगा, ठीक है। तो कहते हैं कि इट सेलेक्ट्स फ्रॉम अमंग द प्रोसेसेस इन द मेमोरी दैट आर रेडी टू एग्जीक्यूट एंड इनवोक द डिस्पैचर टू हैव द सीपीयू एलोकेटेड टू द सिलेक्टेड प्रोसेस। तो डिस्पैचर हमारे पास क्या है, डिस्पैचर जो है हमारे पास एक कर्नल, जो हमारा कर्नल है उसका एक मॉड्यूल है, उसका एक पार्ट है, और ये क्या करता है, ये इट टेक्स कंट्रोल ऑफ द सीपीयू फ्रॉम द करंट प्रोसेस। तो इस वक्त जो प्रोसेस सीपीयू के पास है, जो सीपीयू पे रन हो रहा है, तो ये क्या कर लेता है, उससे सीपीयू को छीन लेता है एंड गिव्स इट टू द प्रोसेस सिलेक्टेड बाय द शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर। और शॉर्ट टर्म ने जिसको सिलेक्ट किया होता है वो उठा के क्या करता है, सीपीयू की तरफ भेज देता है। तो डिस्पैचर क्या है, हमारे पास कर्नल का वो मॉड्यूल है जो शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर ने जिसको इस वक्त सिलेक्ट किया हुआ है उसको उठा के किसके पास भेज देता है, सीपीयू के पास जो है वो भेज देता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें कि डिस्पैचर जो है वो क्या क्या काम करता है, स्विचिंग द कॉन्टेक्स्ट। तो ये जो हमारे पास एक कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होती है कि अगर प्रोसेस P1 की 5 जो है वो इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हो गई हैं, तो उस स्टेट को सेव करना और P2 को वापस उठा के डालना इधर सीपीयू के पास। तो ये कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का सारा काम जो है वो कौन कर रहा होता है, हमारे पास डिस्पैचर कर रहा होता है, ठीक है। इसी तरह से स्विचिंग टू यूजर मोड, तो हमारे पास कर्नल मोड में से यूजर मोड की तरफ ले जाने का काम भी डिस्पैचर का है। जंपिंग टू द प्रॉपर लोकेशन इन द यूजर प्रोग्राम टू रिस्टार्ट द प्रोग्राम। तो जब हमारा P1 जो है वो दोबारा से हमारे प्रोसेसर के पास आएगा, तो इंस्ट्रक्शन नंबर 6 से शुरू करवाने का जो जिम्मेदारी है वो भी किसके पास है, डिस्पैचर के पास है। तो डिस्पैचर जो है वो हमारे पास क्या कर रहा होता है, काफी ज्यादा अहम काम जो है वो सर अंजाम दे रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक टर्म है डिस्पैच लेटेंसी। तो डिस्पैच लेटेंसी हमारे पास क्या है कि टाइम इट टेक्स फॉर द डिस्पैचर टू स्टॉप वन प्रोसेस एंड स्टार्ट अनदर रन टू रन, वो हमारे टाइम हमारे पास क्या कहलाता है, डिस्पैच लेटेंसी कहलाता है कि एक प्रोसेस को स्टॉप करना और दूसरे को उठा के सीपीयू के पास भेजना, ये चीज जो है हमारे पास कितना टाइम जो है इसमें लगता है, वो टाइम जो है हमारे पास डिस्पैच लेटेंसी हमारे पास कहलाता है। स्केजलिंग हमारे पास दो तरह की है, प्रीएम्प्टिव एंड नॉन प्रीएम्प्टिव। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हमारे पास सीपीयू स्केजलिंग होती कब है। तो ये हमारे पास चार केसेस हैं। पहला केस है कि हमारे पास जो रनिंग स्टेट है वहां से हमारा प्रोसेस जो है वो किस में चला गया है, वेटिंग स्टेट के अंदर चला गया है। क्यों, कि उसे किसी आयो की जरूरत पड़ गई है। तो ये पहला हमारे पास है केस। दूसरा केस है कि प्रोसेस जो है वो स्विच कर रहा है रनिंग स्टेट टू रेडी स्टेट, तो उसका जो है वो कोई इंटरप्ट वगैरह आकर हो गई है और हमारा प्रोसेस जो है वो रनिंग स्टेट से डायरेक्ट कहाँ पे चला गया, रेडी स्टेट के अंदर चला गया। दूसरा ये काम हो गया हमारे पास। तीसरा काम जो है हमारे पास कि जब हमारा एक प्रोसेस जो है वो वेटिंग स्टेट से दोबारा कहाँ पे चला जाता है, रेडी स्टेट के अंदर चला जाता है। तो ये स्टेट्स जो है वो कल हमने पढ़ी थी, ठीक है। और आखिरी हमारे पास क्या है कि प्रोसेस हमारा क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। तो वो यहाँ पे कहता है कि ये जो हमारे पास 1 और 4 हमारे पास कंडीशन है, ये हमारे पास क्या है, नॉन प्रीएम्प्टिव है। और ये 2 और 3 जो है वो हमारे पास क्या है, प्रीएम्प्टिव है, ठीक है। नॉन प्रीएम्प्टिव का मतलब ये है कि जब एक प्रोसेस जो है वो सीपीयू के पास रन हो रहा है, तो उसे सीपीयू नहीं लिया जाएगा अनटिल अनलेस या तो उसे किसी आयो की जरूरत पड़ गई है, ठीक है, या उसने अपना काम जो है वो खत्म कर लिया है। तो इस ये जो सिनेरियो है इसको बोला जाता है नॉन प्रीएम्प्टिव स्केजुलिंग, ठीक है। और ये जो हमारे पास 2 और 3 है, ये हमारे पास क्या है, प्रीएम्प्टिव है। प्रीएम्प्टिव ये है कि हमारा सीपीयू जो है वो उसे छीना जा सकता है हमारे प्रोसेस से। तो इसकी हमारे पास वजह जो है उसने यहाँ पे बता दी है कि हमारा जो है क्या हो सकता है कि कोई इंटरप्ट वगैरह हमारे पास अक्कर हो सकती है,
या हमारे पास क्या हो सकता है कि हमारी वेटिंग स्टेट से हमारा प्रोसेस जो है वो आयो आयो मुकम्मल कर चुका है, तो दोबारा कहाँ पे जाएगा, रेडी स्टेट में। तो ये दोनों डेफिनेशन जो है वो आपको याद रखनी लाजमी है, और ये कब कब अकर होती हैं ये भी आपको अब याद रहना चाहिए, ठीक है, कि प्रेम्प्टिव कब अकर होती है और नॉन प्रेम्प्टिव जो है वो कब हमारे पास जो है वो अकर हो रही होती है। नेक्स्ट हमारे पास स्केजलिंग क्राइटेरिया। तो स्केजलिंग जो है किस क्राइटेरिया की बुनियाद पे होती है, ये बात थोड़ी सी कर लेते हैं। सबसे पहले है हमारे पास सीपीयू यूटिलाइजेशन, ठीक है। तो हम क्या करना चाह रहे हैं कि स्केजलिंग कुछ इस तरह से करना चाह रहे हैं कि हमारा सीपीयू जो है वो हमेशा इस्तेमाल होता रहे, हमारा सीपीयू कभी भी फारिग ना बैठे, कुछ इस तरह से हम अपनी स्केजलिंग को करना चाहेंगे। थ्रोपुट हमारे पास क्या है कि हमारे पास द नंबर ऑफ प्रोसेस कम्प्लीटेड पर टाइम, किसी दिए गए वक्त के अंदर हमारा प्रोसेस जो है उसने कितने हमारा जो है सिस्टम उसने कितने प्रोसेस को एग्जीक्यूट किया, ये चीज हमारे पास क्या कहलाएगी, थ्रोपुट जो है हमारे पास कहलाएगी। इसी तरह से हमारे पास है टर्न अराउंड टाइम। तो टर्न अराउंड टाइम क्या है कि हमारे पास इंटरवल फ्रॉम द टाइम ऑफ सबमिशन टू द टाइम ऑफ द कम्प्लीशन, तो हमारा प्रोसेस किस वक्त सिस्टम के अंदर एंटर हुआ और किस वक्त टर्मिनेट हुआ या एग्जिट हुआ, तो उसमें जितना भी टाइम लगा, अब वो टाइम किस में लग सकता है, वो हमारे पास हो सकता है उसे कितना वेट करना पड़ा, ठीक है, और रेडी क्यू में कितनी देर के लिए खड़ा रहा, आयो के लिए उसे कितना वेट करना पड़ा। तो ये सारी चीजें जो है जब उनको सम करते हैं तो ये हमारे पास क्या बनता है, टर्न अराउंड टाइम बन जाता है, और हम चाहते हैं कि हमारा टर्न अराउंड टाइम जो है वो मिनिमम हो जाए। फिर इसी तरह से वेटिंग टाइम। तो वेटिंग टाइम हमारे पास क्या है कि हमारा जो टोटल टाइम जो है वो रेडी क्यू के अंदर कितना स्पेंड किया है हमारे प्रोसेस ने, ये हमारा क्या बन जाता है, वेटिंग टाइम करना बन जाता है। और हम क्या करना चाह रहे हैं, वेटिंग टाइम को मिनिमाइज करना चाह रहे हैं, मतलब हम प्रोसेस को ऐसे स्केड्यूल करेंगे कि हमारा वेटिंग टाइम जो कम से कम हो जाए। और इसी तरह से हमारे पास रिस्पॉन्स टाइम। तो रिस्पॉन्स टाइम हमारे पास क्या है कि इट इज द टाइम फ्रॉम द सबमिशन ऑफ द रिक्वेस्ट अंटिल द फर्स्ट रिस्पॉन्स इज प्रोड्यूस, कि पहली बार जो है जब वो क्यू के अंदर लगा हुआ था तो पहली बार कब हमारा जो प्रोसेस है उसको रिस्पॉन्स दिया था हमारे सिस्टम ने, ये हमारे पास क्या कहलाएगा, रिस्पॉन्स टाइम जो है हमारे पास कहलाएगा। तो इसका मतलब है कि हम क्या करना चाह रहे हैं कि थ्रोपुट को ज्यादा करना चाह रहे हैं और रिस्पॉन्स टाइम जो है उसको हम ज्यादा करना चाह रहे हैं, टर्न अराउंड जो है इसको भी हम क्या करना चाह रहे हैं, बढ़ाना चाह रहे हैं, वेटिंग टाइम जो है उसको हम क्या करना चाह रहे हैं, लेस करना चाह रहे हैं, ऐसे ही है ना जी। तो ये हमारे पास क्या है, स्केजलिंग क्राइटेरिया जो है वो यहाँ पे हमारे पास जो हमने यहाँ पे देख लिया है। और लास्ट जो कि हम कल से शुरू करेंगे, ये स्केजलिंग एल्गोरिदम्स हैं, इनके बारे में आपने पहले भी पढ़ रखा होगा, ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के जो प्रोसेस पहले आया उससे पहले जो एंटरटेन किया जाएगा, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट है, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट है। तो ये जो है हमारे पास स्केजलिंग एल्गोरिदम जो है इंशाल्लाह हम कल जो है इनको स्टडी करेंगे, ठीक है, अगर हमारी कल क्लास होती है। तो यही आज का हमारा लेक्चर था, किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली वो पुट कर ले।